और देश के नाम राष्ट्रपति कोविंद का आज आखिरी संबोधन होगा। शाम 7 बजे देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति भवन में आज रामनाथ कोविंद के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। 5 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज प्रेसिडेंट हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति कोविंद के अलावा नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत अन्य गणमान्य शामिल होंगे। जबकि समारोह के दौरान सभी किताबों का विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। विमोचन होने वाली किताबों की बात करें तो पहली पुस्तक का नाम मूड्स मोमेंट्स एंड मेमोरीज होगा, जिसमें 1950 से 2017 तक के राष्ट्रपतियों का जिक्र होगा। दूसरी पुस्तक का नाम द फर्स्ट सिटीजन है, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद के कार्यकाल का सचित्र वर्णन होगा। वहीं तीसरी किताब का नाम इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्री फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन होगा। साथ ही बतौर राष्ट्रपति राम बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें। रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे आखिरी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसका प्रसारण दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी पर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल उस संसद भवन से विदाई दी गई जो अंग्रेजों के जमाने में बना था। आज इस संसद भवन की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल संसद भवन में विदाई दी गई। इसके साथ ही रामनाथ कोविंद देश के ऐसे आखिरी राष्ट्रपति बन गए जिन्हें अंग्रेजों के जमाने में बनी लोकतंत्र के मंदिर यानी वर्तमान संसद भवन से विदाई दी गई। दरअसल संसद भवन की नई इमारत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। माना जा रहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अपना कार्यकाल पूरा करेंगी तो उनकी विदाई देश की नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा से होगी। अंग्रेजों के जमाने में बने संसद भवन की बात करें तो माउंटबेटन से शुरू होने वाला ये सफर रामनाथ कोविंद के कार्यकाल पूरा करने तक रहा। ऐसे में देश में जब भी पुराने संसद भवन की चर्चा होगी तो माउंटबेटन से लेकर रामनाथ कोविंद तक के नाम को याद किया जाएगा। वहीं संसद से विदा लेते हुए रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने के लिए देश के नागरिकों का आभार जताया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने महात्मा गांधी को याद किया और ये भी कहा कि देश के नागरिकों को अपनी मांगों को मनवाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से करना चाहिए। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।